गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप आज हम सभी लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस बारे में जानने के लिए कि एक अभियान है जो $1 प्रति प्रति बच्चे प्रत्येक बच्चे के लिए। तो इस ये जो मैसेज है, ये जो अभियान है, ये डॉक्टर लिम के माध्यम से, डॉक्टर लिम चाहते हैं कि इस अभियान में सारे के सारे डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े। और इस अभियान की जो अवधि है वो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 छः महीने तक की है। और इसका जो एरिया है जहाँ हमें कवर करना है, किसके माध्यम से कवर करना है, पूरे डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, स्टॉकिस्ट के माध्यम से इसको हमें कवर करना है। इसके अंदर सभी लोग, कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, जितने भी डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और स्टॉकिस्ट हैं वो इस अभियान के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस अभियान के अंदर भाग ले सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है कुपोषण से पीड़ित बच्चों की, पूरे विश्व में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की मदद करना। और ये कैसे करेगा डीएक्सएन? जैसे कि आप सबको लोगों को पता है कि अभी बहुत ही रिसेंटली पिछले महीने ही अपने हमारे डॉक्टर दातुक डॉक्टर लिमसे जिन को IIMSAM का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है अगले एक दशक के लिए। तो अगले दशक के लिए, और ये हम इमसेम के मदद से सारे बच्चों की हेल्प करेंगे, और जिसके अंदर हमारे सुन्याती इंटरनेशनल फाउंडेशन का भी योगदान रहेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से डीएक्सएन जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उस वो सुन्याती इंटरनेशनल माध्यम से उसको स्पुलिना खरीदेगी, और स्पुलिना खरीद के 10 लाख से अधिक दुनिया भर में कुपोषित बच्चों को स्पुलिना देगी उन्हें, और उनको कुपोषण से मुक्त कराने में सहायता करेगी, मदद करेगी। तो हमारा उद्देश्य बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए है, अच्छी चीज़ के लिए है। और इसके अंदर स्टार्टिंग में यूएसए में शुरुआत इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, और साथ साथ कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इंडिया में भी इसकी शुरुआत शुरू हो रही है। स्टार्टिंग में हम लोग भारत और पाकिस्तान के बच्चों को स्पुलिना देंगे और जो कि सुन्याती इंटरनेशनल के माध्यम से उनको बांटा जाएगा। तो इस उद्देश्य से जुड़ने के लिए, इस नोबल कॉज से जुड़ने के लिए हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर हम जुड़ सकते हैं? तो इससे जुड़ने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। डॉक्टर लिम की तरफ से आप सभी को ये मैसेज है कि इसको इसमें सारे के सारे डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट सब लोग बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें, और पूरे विश्व को दिखा दें कि भारत मदद करने के मामले में कभी भी किसी से पीछे नहीं है, हमेशा अग्रणी रहेगा। तो इसको करना कैसे है? इसके अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप अपने स्टेट पीआईसी से, कंपनी की वेबसाइट से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर आपको अपने बोनस में से जितना आप दान करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक फॉर्म इसके बाद में दिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए जुलाई का ये महीना है जुलाई में आप कुछ पैसे देना चाहते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति 100 रुपये डोनेट करना चाहता है तो 100 रुपये भर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूनतम राशि है वो 76 रुपये होगी, क्योंकि $1 के बराबर की राशि की कटौती होगी। जैसे कि मान लो कोई 50 रुपये देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, वो 76 रुपये मिनिमम उसे देना है, और 76 के ऊपर वो जितना चाहे उतना वो कटौती के लिए वो अपना फॉर्म को फिलअप करके दे सकता है। जैसे कि जुलाई में कोई व्यक्ति 76 रुपये कटवाना चाहता है, कोई और अगस्त के अंदर वही व्यक्ति 150 रुपये कटवाना चाहता है, राइट, या 150 या 76 का डबल कराना चाहता है, या फिर वही व्यक्ति 760 रुपये कटवाना चाहता है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 6 महीने के अंदर वो अलग अलग महीने में अपने बोनस से कटौती करके वो दान राशि के रूप में इसको दे सकता है। जब ये बोनस की कटौती होगी तो कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर को जितना उसने बोनस में से अमाउंट कटवाया होगा उतने का उसको एक ई वाउचर देगी और साथ में एक ई सर्टिफिकेट देगी। अब ये ई वाउचर क्या होगा? ये ई वाउचर
जो ODOC यानी $1 1 child जो पॉलिसी के आपने कैंपेजिन के अंदर जो आपने बोनस से कटौती कराया है अमाउंट, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 76 रुपये की कटौती कराई तो उसे 76 रुपये का एक ई वाउचर दिया जाएगा। वो ई वाउचर वो व्यक्ति डीएक्सएन, हर कंट्री के हिसाब से डीएक्सएन ने कुछ प्रोडक्ट्स फिक्स किए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट उसके अंदर फिक्स किए गए हैं, उन प्रोडक्ट को जब वो खरीदेगा तो जो जो जिस व्यक्ति ने जितना दान दिया होगा उस राशि को उस परचेज के अगेंस्ट में वो एडजस्ट करा सकता है। अब एक बार में सारा अमाउंट एडजस्ट करा सकता है या अलग अलग अमाउंट एडजस्ट करा सकता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना सीरियल ले लेते हैं हम या आपका जी मोका ले लेते हैं, तो एक प्रोडक्ट है उसका एक ODOC एक प्राइस सेट किया जाएगा जो DP से अलग होगा, भिन्न होगा। तो जो उसका प्राइस होगा उस प्रोडक्ट के हिसाब से जितना छूट मिलेगा उतना ई वाउचर में से कट जाएगा। मान लो कि एक जैसे जी मोका है, मान लो उसका प्राइस 100 रुपये है DP, तो उसका ODOC जो प्राइस है मान लो 99 रुपये है, यानी ये जो प्राइस है वो कंपनी तय करेगी और वो लिस्ट आपको प्रोडक्ट की कुछ चुनिंदा 5 प्रोडक्ट की आपको लिस्ट दे दी जाएगी जिसके अंदर DP ये है और ODOC प्राइस ये है। जब आप ODOC प्राइस में जब आप परचेस करोगे तो उतना ही वैल्यू आपके ई वाउचर में से कट जाएगा और बाकी जो वैल्यू बैलेंस रहेगा वो आपका नेक्स्ट परचेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी आज की डेट में रिडम्पशन वैल्यू का ऑफर चल रहा है, अब ये रिडम्पशन वैल्यू का ऑफर जो चल रहा है तो इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने ODOC वाले प्रोडक्ट को चूज़ किया तो पहले उसका ODOC अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद में जो बैलेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर उसका 10% डिस्काउंट जो आपका रिडम्पशन वैल्यू का है, यानी 1000 PV से अगर आपने ऊपर किए तो आपको 10% रिडम्पशन और रिडम्पशन वैल्यू में आपके अमाउंट है तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहले ODOC का आपका प्रोडक्ट का प्राइस पे करना है आपको, देन उसके बाद में आपको क्या कहते हैं 10% रिडम्पशन मिलेगा। लेट सपोज आपने ODOC का आपने प्रोडक्ट परचेस किया लेकिन आपने 1000 PV नहीं किया स्टार्टिंग का, पहला बिल जो 1000 PV का करना है आपको रिडम्पशन वैल्यू के लिए, तो आपका रिडम्पशन वैल्यू इसके अंदर डिडक्ट नहीं होगा, ODOC का आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा, यानी कि सोने पे सुहागा, यानी यदि किसी ने 760 रुपये दान में दिए तो उसको 760 रुपये का ई वाउचर मिल जाएगा। और एक ये आपका आपका एक अप्रिसिएशन जो ई वाउचर आपके अप्रिसिएशन के लिए होगा क्योंकि आपने 76 रुपये दान किया है बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, तो कंपनी आपको अप्रिसिएशन टोकन ऑफ अमाउंट देगी, यानी कि जितना आपने दान किया उतने का ही आपको ई वाउचर कंपनी दे देगी। उसी वाउचर को आप ODOC जो प्रोडक्ट जिस रेंज में कंपनी उसे डालेगी, जो प्रोडक्ट डालेगी, एक प्रोडक्ट होगा, 2-5 प्रोडक्ट होंगे इसमें मैक्सिमम, उन 5 प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उस ई वाउचर को आप बुना सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि ये स्कीम चल रही है, ये जो कैंपेन चलेगा ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। अब दिसंबर तक आपने अलग अलग कटाया तो ये 31 जनवरी 2021 से पहले पहले आपका जो भी ई वाउचर अमाउंट है उस अमाउंट को आपने एडजस्ट करा लेना है। इसके बाद अगर कोई ये अमाउंट आपका बचता है तो वो आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा, वो अमाउंट आपका अमान्य हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में आपको बताने के लिए बताया। देखिए जैसे कि चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो अब इसके अंदर देखो USD डॉलर है, बेसिकली इंडियन रुपीज में होगा। एग्जांपल के लिए जो हमने बताया है ये कंपनी द्वारा निर्धारित अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं, जैसे मान लो दूसरी कंट्री है कोई XYZ कंट्री है तो उसके अंदर 5 प्रोडक्ट उसने अपने चूज़ किए, इंडिया ने अपने 5 प्रोडक्ट अलग से चूज़ किए और उसका ODOC एक प्राइस सेट किया जाएगा, राइट। ODOC प्राइस सेट किया जाएगा, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे किमोनो दिया हुआ है, मान लो उसका USD डॉलर 30 है, 30 USD डॉलर है, तो ODOC का उसका प्राइस क्या होगा, उसमें 3 रुपये का उसे छूट मिलेगा, तो 27 रुपये होगा। यानी कि अब आपके पास वाउचर, जैसे मान लो आपने आपने $3 दान किए तो $3 आपने दान किए तो आपको $3 का ई वाउचर मिल गया, और आपने अगर किमोनो खरीदा तो $3 आपको उसी उस किमोनो के अंदर आपको छूट मिल जाएगी, जो आप जो जो प्रोडक्ट जिस कंट्री ने चूज़ किया होगा, 5 प्रोडक्ट के अंदर ODOC के प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे, वो प्रोडक्ट कंपनी निर्धारित करेगी, उस प्रोडक्ट को आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ ODOC का डिस्काउंट आप नहीं
ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ई वाउचर के माध्यम से कंपनी आपको देगी, जितना आप दान करेंगे उतना आपको कंपनी ई वाउचर के माध्यम से आपको वापस कर देगी, राइट। सो ओडीओसी का जो पॉइंट जब आपका कट जाएगा, जो पॉइंट ओडीओसी की आपकी परचेसिंग हो जाएगी, होने के बाद ही आपका रिडेम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट मिलेगा। मान लो जैसे किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक मेंबर है जिसने जुलाई में $50 डोनेट किया, $50 उसने डोनेट किया, अगस्त में उसने $10 डोनेट किया। तो अगस्त में जब वो, क्योंकि जुलाई में उसने डोनेट किया, तो अगले महीने में उसको $50 का ई वाउचर ई पॉइंट उसे मिल गया, और उस व्यक्ति ने अपना एक प्रोडक्ट खरीदा डिस्काउंटेड, जिसमें ODOC का डिस्काउंट है, और उस प्रोडक्ट का DP जो है ₹20 है, और डिस्काउंट उसको $1 का उसमें मिला, यानी उसको पे करना पड़ा $19, यानी $20 का अगर प्रोडक्ट था तो उसने $19 किया, यानी कि अगर आपका ₹200 का प्रोडक्ट था और ODOC के अंदर आता है वो प्रोडक्ट, यानी पांच प्रोडक्ट कंपनी चूज करेगी, मैं बार बार इसको फोकस करके आपको बता रहा हूँ, पांच प्रोडक्ट कंपनी चूज करेगी, उन पांच प्रोडक्ट में से अगर आपने ODOC वाले प्रोडक्ट में से आपने जो प्रोडक्ट चूज किया, उसका कंपनी जो हमारा नॉर्मल DP है उसको डिस्काउंट के बाद उसका एक अमाउंट देगी कि आपको इतने में मिलेगा, यानी कि जो DP और उसके बीच का जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो आपके ई वाउचर से एडजस्ट होगा। तो ये 20 फॉर एग्जांपल के जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है वो $20 का है, और उसका जो ODOC डिस्काउंट का प्राइस है वो $1 के अंदर डिस्काउंट किया गया है, यानी उस मेंबर को 20 की बजाय 19 उसको पे करने पड़ेंगे, बाकी जो उसके डॉलर का अमाउंट है वो $1 का अमाउंट उसका ई वाउचर से घट जाएगा। एक व्यक्ति को $20 ना पे करके $19 पे करने हैं। अब उसी व्यक्ति के बारे में आगे बात करते हैं, उसने खाली एक प्रोडक्ट लिया और उसने अपना उस महीने का ₹1000 भी नहीं किया, तो इसीलिए उसको रिडेम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट पहले बिल का नहीं मिला, कि पहले बिल में ₹1000 करने हैं, उसके बाद ही तो आपको डिस्काउंट मिलना शुरू होगा, राइट। तो $19 को पे करने पड़े। अच्छा, ये $19 पे करने पड़े, उसके बाद में क्या हुआ, जब अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर दोबारा जाता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे $50 का था ई वाउचर के अंदर, अब उसका $1 उसने रिडीम कर लिया अपना ई वाउचर के माध्यम से, बैलेंस $49 हुआ, उसका जो बैलेंस $49 है वो आगे बढ़ जाएगा अगले महीने के अंदर, उसका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि 50 में से एक गया 49 हुआ और $10 उसका अगस्त का, तो सितंबर के महीने में जो उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा वो $59 हो जाएगा, 49 + 10 $59। अब उस व्यक्ति ने, उस मेंबर ने कोई एक और प्रोडक्ट चूज किया सितंबर के महीने में परचेस करने के लिए, क्योंकि अगस्त में उसने ऑलरेडी $10 का किया, उसने डोनेशन दिया और एक जुलाई में $50 का दिया था, $1 ऑलरेडी डिस्काउंट में यूज कर चुका है, तो अब उसका $59 उसके ई वाउचर के माध्यम से उसके अकाउंट में, ई पॉइंट के, ई वर्ल्ड के अकाउंट में भी वो दिखाई देने लगेगा। तो ई वाउचर के माध्यम में उसके $59 है, उसने एक प्रोडक्ट चूज किया $30 के DP प्राइस का, अब उसका ODOC प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है उसमें $3 है, तो यानी उसे अब क्या करना पड़ेगा, $30 की बजाय उसे $27 पे करने पड़ेंगे, बाकी $3 उसके ODOC बैलेंस में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी 59 में से 3 लेस हो जाएंगे, तो 56 उसका बैलेंस आ जाएगा। और इसी व्यक्ति ने ₹1000 पूरे कर लिए, तो उसे 10% डिस्काउंट मिला 27 का 2.70, तो यानी उस व्यक्ति को $24.30 पे करने हैं, यानी जो आपका 10% रिडेम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट होगा ODOC प्रोडक्ट के जो डिस्काउंटेड प्राइस के बाद जो आपका ई वाउचर एडजस्ट करने का जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपका 10% मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ODOC पांच प्रोडक्ट होंगे जो कंपनी डिसाइड करेगी, HQ उसका प्राइस डिसाइड करेगा, जो आपको बता दिया जाएगा, जो आपको ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी हमें करना क्या है, तो ये आपको समझ आए किस तरीके से ये काम करेगा, तो अभी आपको करना क्या है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरीके से काम करना है। तो इसमें अभियान में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि इस अभियान में सारे के सारे वितरक भाग ले सकते हैं, और इस अभियान में वही उसी देश की भागीदारी होगी जहां वितरक का बोनस बनता है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया का है और उसने इंडिया में डोनेशन किया उसने, और वो उसका जो ई वाउचर मिला ODOC का, वो चाहे कि मैं उसको जाके बांग्लादेश में या उसको जाके फिलीपींस में मैं उसको डिस्काउंट ले लूँ, तो वो नहीं मिलेगा उसे।
तो ये जिस कंट्री में उसने डोनेशन किया हुआ, जिस कंट्री का वो वितरक है, उसी कंट्री के अंदर आपको ODOC प्रोडक्ट्स के अंदर वो डिस्काउंट मिलेगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप करना क्या है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के अपने स्टेट PIC को फॉर्म भेज देना है। इस महीने की 28 तारीख तक 5 बजे से पहले पहले वो फॉर्म आपके स्टेट PIC तक आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट PIC फिर उस फॉर्म को चेक करके सीधा वो कस्टमर सर्विस को भेजेंगे और कस्टमर सर्विस को हेड ऑफिस भेज देगी आपके बोनस डिडक्शन के लिए। अब इसके अंदर कुछ लोगों के मन में दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये बोनस जब डिडक्ट होगा तो कहीं हमारा जो बोनस NFT आता है ई वॉलेट में तो नहीं चले जाएगा। नहीं, अगर बोनस डिडक्ट होगा तो ODOC के माध्यम से जो भी डिडक्ट होगा, आपका बोनस डिडक्ट होने के बाद आपका जिस माध्यम से पहले आ रहा था उसी माध्यम से आपका बोनस आपके पास जाएगा। इस डिडक्शन के लिए कोई भी चीज़ ई वॉलेट के, जिसका ई वॉलेट में बोनस आ रहा था उसका ई वॉलेट में जाएगा, जिसका बैंक में आ रहा था उसका बैंक में जाएगा। कोई भी उसका मोड चेंज नहीं होगा, मोड वही रहेगा जो उसका पुराना अवेलेबल मोड था। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है विशेष रूप से, जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म क्या है, फॉर्म कैसा है, उस फॉर्म को कैसे भर के उस फॉर्म को आपको लोगों को दिखाना है, उसको शेयर करना है। उस फॉर्म को मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको फॉर्म सबको जो इसमें भाग लेने जाते हैं उनको ये फॉर्म भर के दिखाना जरूरी है, आवश्यक है। एक मिनट के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे YouTube व्यूवर्स हैं वो एक मिनट के लिए वेट करें। तो आपके स्क्रीन पे फॉर्म दिखाई दे रहा है, अगर YouTube व्यूअर्स को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, जो भी मेरे वहाँ पे स्टाफ यूज़ कर रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है किसी को। तो ये देखिए, ये आपका एक ऑथोराइजेशन बोनस डिडक्शन फॉर्म है, यानी बोनस का कटौती फॉर्म है ये। इसके अंदर कंट्री ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, राइट। ये सीरियल नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये हम खुद डालेंगे। इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालना है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा नोटिशन के माध्यम से भी आपको मैं बताता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि बहुत से लोगों को मेरा माउस नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पेंसिल के माध्यम से उन लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर नाम आपको लिखना है, और आपको यहाँ पे अपना नेशनल आईडी, बेसिकली नेशनल आईडी क्या है कि बहुत से लोगों का जैसे आधार नंबर होता है, वोटर कार्ड नंबर होता है, वो डालते हैं लोग, ठीक है। आपको ये एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो ये आप सब चीज़ों को दिख रहा है, सीरियल नंबर आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। ये आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के साथ साथ अब मैं नीचे आता हूँ। फिलअप करने के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है DXN मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड $1 1 child कैंपेन, और कैंपेन है ये, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कटौती का ये फॉर्म है। जैसे जुलाई का महीना जो आपका है, जुलाई के महीने में अगर किसी ने कुछ कटौती करवानी है तो यहाँ पे अमाउंट डाल सकता है। जैसे कि मान लो किसी ने कटौती करानी है जुलाई के महीने में, और ही वॉन्ट टू डिडक्ट मान लो 76 रुपये, तो 76 रुपये डालना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि $1 के जो कॉस्ट चला है उसमें 76 रुपये चल रहा है, ओके। यहाँ पे 76 रुपये डाला उसने, अगस्त के महीने में वो चाहता है कि भाई मैं 76 ना करके मैं कुछ डबल करना चाहूँ, तो आप उसके अंदर जो जो भी अमाउंट डालना है 76 से ऊपर का ही आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो भी अमाउंट डालना चाहें तो आप इसका डबल भी कर सकते हैं, 152, तो अगले महीने उसके बोनस में से 152 रुपये कट जाएंगे।
और जितना ये अमाउंट जुलाई में कटेगा 76 का आपने दिया, तो 76 रुपये आपके माध्यम आपको अगले महीने 76 रुपये का आपको ODOC ई वाउचर मिल जाएगा। और अगर आपने खाली 76 रुपये दिए और बाकी महीने में आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, वो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ये आपकी अपनी इच्छा है। इंडिया को टॉप पे अगर लाना है तो हम सब इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अगर कोई नहीं लेना चाहता है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन मिनिमम अमाउंट 76 रुपये होगा, जैसे आपका 152 है। अब बहुत से लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला, सर हम तो पूरा ही हम तो हर महीने कटवाएंगे, हर महीने कटवाएंगे। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर ठीक है हम 760 रुपये देंगे, यानी कि हम $10 के बराबर का अमाउंट देंगे। तो जितने जितना वो डोनेशन करेंगे वही अमाउंट उनका हर महीने के हिसाब से वो कटता चले जाएगा, हर महीने हर वो अपने अमाउंट को कटा सकते हैं। कोई चाहता है कि भाई मैं 500 रुपये कटवाना चाहूँ, 500 रुपये कटवा सकता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट वो रहेगा। तो कोशिश यही करें कि डॉलर के मल्टीपल में दें, जिससे कि आपको भी आसानी रहे। और कोई नवंबर में कटवाना नहीं कटवाना चाहता नवंबर छोड़ दे, वो 22 नवंबर नहीं कटा लेकिन दिसंबर में कटवाना चाहता है, तो ये अपनी अपनी स्वेच्छा से आपकी सुविधा के अनुसार आप क्या देना चाहते हो क्या नहीं देना चाहते हो। और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है, और देना चाहते हो तो इस तरीके से आपको कुछ तो फॉर्म आपको फिलअप करके आपको भेजना है। और उसके बाद में जब आप ये फॉर्म फिलअप करके भेजेंगे अपने स्टेट PIC को, व्हाट्सएप माध्यम से भेज सकते हैं आप, राइट, जिस माध्यम जो माध्यम आपको सूटेबल है, जिस भी माध्यम से आपको लगता है कि हाँ मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, उस माध्यम से आप इसको अपने स्टेट PIC को भेज दीजिए। और स्टेट PIC आपके इस फॉर्म को चेक करेंगे, राइट, चेक करेंगे, और चेक करने के बाद इसको ये आगे कंसर्न डिपार्टमेंट में मेल के माध्यम से आगे बढ़ा देंगे। अगर आपको मेल भेजना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप से भेज दीजिए आप शेयर करिए, अपने स्टेट PIC को आपने भेजना है। तो यहाँ पे अपना साइन करना है डिस्ट्रीब्यूटर ने, और उसका नाम और डेट, और यहाँ पे साइन जो होंगे इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसके अंदर हमारे इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 76 रुपये से कम का अमाउंट वो अमान्य होगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन भरी होनी चाहिए। जिस महीने में आप देना चाहते हैं उस महीने में आप अमाउंट को फिलअप कर दीजिए, और अमाउंट को फिलअप जिस महीने में नहीं देना चाहते उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या फिर सिंपल एक डैश का निशान भी आप मार दीजिए, जैसे कि ये है खाली, यहाँ नहीं देना चाहते आप, यहाँ नहीं देना चाहते आप, यहाँ नहीं देना चाहते आप, लेकिन आप चाहते हैं कि आप दिसंबर में कटौती करवाना चाहते हैं तो दिसंबर में आप कटौती करवा सकते हैं 76 रुपये की भी, या उससे अधिक अमाउंट की। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे यहाँ तक का जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। और साथ साथ विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये भी जो अमाउंट भरेंगे आप वो सब इंडियन रुपीज़ में होगा, राइट, ये 76 डॉलर नहीं होगा, ये इंडियन रुपीज़ होगा, INR के अंदर होगा, जो करेंसी होगा हमारा INR के अंदर होगा। तो ये फॉर्म आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करके या स्टॉकिस्ट के माध्यम से आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के, या स्टॉकिस्ट से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करें आगे हैं, या कंपनी की ब्रांच में जाके आपको इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो COVID-19 में जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है जो लोग जा सकते हैं, और इसको फिलअप करके अपना मोबाइल से इसका अच्छे रेजोल्यूशन में फ़ोटो खींचिए और अपने स्टेट PIC को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो दोस्तों ये $1 1 child का जो मिशन है ये एक सोशल कॉज के लिए है, और इसके अंदर हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और ये दिखा देना है लोगों को कि भारत किसी से पीछे नहीं है, इंडिया किसी से पीछे नहीं है, और हम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। और साथ में आप सभी लोगों को एक जो लोग इसको इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट, और साथ साथ आपको ई वाउचर तो आपको मैंने बता ही दिया है। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आई थिंक संजय पटेल जी की तरफ से है जौनपुर से, क्या एक बार में कभी भी ई वाउचर पूरा एक साथ खर्च किया जा सकता है? हाँ वो खर्च किया जा सकता है पूरा, लेकिन ध्यान रहे आपको उतना ही ODOC प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। मान लो एक ODOC प्रोडक्ट है, मान लो आपका जी मोका हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से प्रोडक्ट उसके अंदर होंगे, जी मोका हो गया, जी मोका का मान लो प्राइस आपका
₹500 है और उसके अंदर कंपनी ने आपको ODC डिस्काउंट मान लो ₹50 दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आपका ₹500 वाउचर का अगर अमाउंट है तो आपको 10 जीमो का खरीदने पड़ेंगे उस वाउचर को एडजस्ट करने के लिए। मुझे लगता है संजय पटेल जी को उनका जवाब मिल गया है, और आपको आगे इसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये है डॉक्टर अर्चना DXN चंडीगढ़ से हैं। इनका सवाल है कि जो लोग DXN में नहीं हैं और डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताइए। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, उन लोगों को सिंपल सा एक DXN का डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए और इस स्कीम में वो आ सकते हैं, क्योंकि ये DXN सोलली DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है और आपके माध्यम से भी वो डोनेट करके जुड़ सकते हैं क्योंकि बोनस में से ही आपके कटेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, सो ये क्वेश्चन है मिस्टर जेनेसर जी की तरफ से, हाउ टू डाउनलोड फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट। वेबसाइट पे ऑलरेडी फॉर्म अपलोड है और अगर नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा है तो जानिसार आपसे स्टेट PIC सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस फॉर्म को और इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस को मिल जाए। और मैं स्टॉकिस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि वो सभी स्टॉकिस को ये फॉर्म उपलब्ध करवा दें मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये फॉर्म मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के अंदर जुड़ सकें। और साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जिसका हाईएस्ट डोनेशन होगा उसको कंपनी विशेष रूप से सम्मानित करेगी और विशेष उसके लिए एक उपहार दिया जाएगा। वो उपहार क्या होगा मैं अभी आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, और उसको कंपनी के प्रोग्राम में विशेष अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जाएगा। कंपनी की ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर उसको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। तो इसके अंदर जितना भी हो सके आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने टीम के अंदर शामिल कराइए। ये देखिए, पहले मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे $1 1 child आपका कैंपेन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इट विल बी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्क्रीन, एक आपके स्क्रीन आ जाएगा। आप सभी लोगों को विजिबल है कि नहीं है, दिख रहा है राइट? सो इसके अंदर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम नीचे डाउन जाएंगे तो देखिए यहाँ पे $1 for 1 child कैंपेन आ गया। ओके, $1 1 child कैंपेन आ गया। इसके अंदर आपका ऑथोराइजेशन और बोनस डिडक्शन फॉर्म है, मैकेनिज्म है और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, जो हिंदी भाषी है हिंदी में पढ़ सकते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और उस फॉर्म को यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, आपको वेबसाइट के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है और वेबसाइट के माध्यम से ही आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मदद करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये कि नोबल कॉज है और ये आपका एक सोशल वर्क भी है और एक ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन मानवता का कार्य है। आप उसको स्कैन करके स्टेट PIC को व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से आप भेज देंगे। आई थिंक मुझे YouTube पे भी लाइव कमेंट आ रहे हैं सर, तो मैं कुछ क्वेश्चन वहां से भी ले लेता हूं। आप ले सकते हैं। डू वी हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर ईच मंथ? YouTube के भावना शर्मा जी ने पूछा है, सिंगल फॉर्म, यू हैव टू फिल अप द सिंगल फॉर्म फॉर एंटायर 6 month पीरियड। इफ यू वांट टू चूज 1 month यू कैन फिल अप अमाउंट इन द 1 month एंड रेस्ट ऑफ द मंथ यू कैन स्ट्राइक ऑफ। वन फॉर्म इज रिक्वायर्ड, then this form should be reached to us, that is on or before 28 July 5 PM. Vijay ji ka dobara question aa raha hai, how to submit form other than WhatsApp and email ID? Sir, I think Vijay sir ne already answer de diya hai ki WhatsApp se aap bhej sakte hain, email ID se bhej sakte hain, ya aap respective branch mein form physically submit kar sakte hain. Mujhe lagta hai ki yahi ek tarika hai. ईमेल आईडी, अच्छा ओके, ईमेल आईडीज आपके पास आपके रिस्पेक्टिव स्टेट PIC का होगा, और अगर नहीं होगा तो आज मैं फिर जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी स्टेट PIC से वो अपने रिस्पेक्टिव स्टॉकिस्ट ग्रुप डायमंड्स ग्रुप में अपना ईमेल आईडी शेयर कर देंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर मनोज कुमार जी का, नेक्स्ट मंथ में भी फॉर्म सेंड कर सकते हैं क्या सर? नहीं, आपका जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई शाम 5 बजे तक है, हमारे पास वो फॉर्म आ जाना चाहिए।
ये 6 मंथ के लिए है सर? हाँ, एक फॉर्म 6 मंथ है, इसके अंदर आप 6 मंथ के अंदर हर महीने में अलग अलग कटवाना चाहते हैं या खाली 1 महीने में कटवाना चाहते हैं या 3 महीने कटवाना चाहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड है। ये जो इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं, जो दान देना चाहते हैं, उनके ऊपर सोली डिपेंड है। अगर कोई नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आई थिंक आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन था यूट्यूब पे, उसका जवाब दे दिया है विकास श्रीवास्तव जी का, कि क्या एक बार में सभी महीने का एक बार डोनेट कर सकते हैं विकास श्रीवास्तव? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा सभी लोगों को। यहाँ से देखिए, इस फॉर्म के अंदर जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 है। यानी कि आप जुलाई में एक बार के ये फॉर्म आपको अभी भरना है, और इसके अंदर हर महीने में किस महीने में आप कितना डिडक्शन कराना चाहते हैं, कितना दान देना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर फिलअप करके 28 तारीख इस महीने की 5 बजे से पहले पहले अपने स्टेट PIC के पास ये फॉर्म भर के आपको भेज देना है। राइट? हर महीने अलग अलग फॉर्म नहीं होगा। जो भी फॉर्म 28 जुलाई शाम 5 बजे तक हमारे पास आ जाएगा, उन्हीं लोगों का हम रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट मंथ अगर कोई भेजता है तो वो रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होगी। ओके, सो अगर आप इस कॉन्टेस्ट में, इसमें आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, सो 28 जुलाई लास्ट डेट है, ये हम सभी को याद रखना है सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू रवि फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरी वेल, एंड थैंक यू राहुल फॉर विंग दिस शो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आसानी से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारी वेबसाइट पे जाके हिंदी में भी ये फॉर्म, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपका डाला हुआ है, और अपने अपने स्टेट PIC से आप संपर्क करें और प्रयास करें आपके टीम के सभी मेंबर एटलीस्ट 76 रुपये डोनेट करने करें, जिससे कि गरीब बच्चों की 10 लाख माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों की मदद कर सकें। और ये स्टार्टिंग हो रही है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के साथ। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, जस्ट ए मिनट, आई थिंक परवीन सोलंकी जी जस्ट वांट टू शेयर हिज व्यू फॉर 2 मिनट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विजय सर, रवि सर, राहुल सर, अनिश सर, आपने बहुत ही अच्छा एक ऑल इंडिया के लिए प्रोग्राम इनिशिएट किया। मेन चीज है कि मैं दातो डॉक्टर लीन सीओ जी, डॉक्टर लीन सीओ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही खास न्यूज हमें मिला है, और सिर्फ न्यूज ही नहीं मिला है, साथ ही सारे इंडिया के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एड्रेस करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे लिए गर्व की बात हुई है कि हम कुपोषित बच्चों के लिए आज काम आ सकते हैं। पहले तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे डोनेशन दिया करते हैं, लेकिन आज हमें खुद ये मौका मिल रहा है कि हम उन बच्चों को हमारा असिस्ट कर सकते हैं। जब मुझे ये डॉक्टर लीम सीओ जी का गुडविल एम्बेसडर का पता चला था, मैंने डॉक्टर किया था, मुझे उनको बधाई दी थी, तो डॉक्टर लीम ने डायरेक्टली मुझे बोला था प्रवीण वी वांट टू असिस्ट। वाओ, कितना बड़ा है, मतलब ये हमारे लिए बात था, और तभी से मैंने सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया है। अगर हम $1 हमारा डोनेट करते हैं, 76 रुपया डोनेट करते हैं, तो हम एक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। और अगर हम $10 हमारा डोनेट करते हैं, तो हम 10 बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं। क्या आपकी मर्जी है, सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाना है, सभी लोगों ने, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड। अभी हमारा भारत का भी एक बहुत अच्छा यहाँ से एक फिगर ऊपर का आएगा, और हम सब लोग मिलकर दातो डॉक्टर लियो सीओजिन के सबसे बड़े सपने में शरीक होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक बहुत ही बड़ा मुकाम DXN का पूरा दुनिया में अलग ना अलग ही एक पहचान बनकर उभर कर आएगा कि कुपोषण के खिलाफ DXN ने जो कारनामा करके दिखाया है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस्ट्री में किसी के पास इस तरह का ताकत नहीं था सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने वो मीटिंग इनिशिएट किया तुरंत फास्ट थी, और हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू परवीन जी, थैंक यू ऑल द जूम व्यूअर्स एंड यूट्यूब व्यूअर्स एंड फेसबुक व्यूअर्स। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये डॉक्टर लिम का मैसेज है आप सभी DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स और DXN फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि इस कैंपेन को हमें बेहतरीन सक्सेसफुल बनाना है, और साथ में इस कैंपेन में इंडिया के लोगों को और इंडिया को सबसे टॉप में रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ।
मिलके चले।